तो गाइस फाइनल हम आ चुके हैं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बहुत ही धांसू स्ट्रेटजी के ऊपर होने वाली है, और जो मैं पर्सनली बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ और सबसे ज़्यादा लेजिट स्ट्रेटजी है, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही मस्त स्ट्रेटजी है, ये मतलब ऑल टाइम स्ट्रेटजी है, हमेशा वर्क करती है। और गाइज़ ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस गाइस वो एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट जो है वो अपने आप को रिजेक्शन लेता है वहाँ से। लाइक मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर वो एक पॉइंट क्रिएट करता है, वहाँ से उसका मार्केट रिजेक्शन लेता है और रिवर्स करता है, और उसी पॉइंट पे अगर सेम वो एक से दूसरी बारी रिजेक्शन लेता है तो उस पॉइंट को कहते हैं गाइस रेजिस्टेंस। और सेम विद सपोर्ट। सपोर्ट में देखो गाइस क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, देन वो एक पॉइंट से रिवर्स लेता है और ऊपर चला जाता है, और देन दोबारा वो उसी पॉइंट पे आता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर रिवर्स कर जाता है। तो गाइस उस पॉइंट को बोलते हैं सपोर्ट। चलो मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ शो हो रहा होगा, उस पर देखो जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे आपको देखो क्लियर दिख रहा होगा, वहाँ से मार्केट तीन टाइम रिजेक्शन लिया। तो देखो गाइस इसमें आपको करना क्या है, देखो आपने जैसे देखा कि मार्केट ने फर्स्टली वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर डाउन आया, देन सेकेंडली भी वो सेम पॉइंट से फिर डाउन आया, देन आपको सिंपली करना क्या है, थर्ड पॉइंट पे जैसे ही मार्केट वहाँ पे टच करे, उस पॉइंट को टच करे, आपको सिंपली 1 मिनट ग्राफ पे हो तो 3 से 4 मिनट के लिए आपको डाउन ले लेनी है, आप परफेक्ट विन करोगे। ये स्ट्रेटजी हर कंडीशन में वर्क करेगी, हर ग्राफ में वर्क करेगी, हर ब्रोकर पे वर्क करेगी, ये सदाबहार स्ट्रेटजी है जो हमेशा वर्क करती है। तो ये तो रही बात रेजिस्टेंस की, तो चलो मैं आपको ये सपोर्ट दिखाता हूँ। सपोर्ट भी सेम होता है, बस इसका अपोजिट हो जाता है। तो चलो हम सपोर्ट के मार्केट की कंडीशन देखते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मार्केट देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा गाइस, ये पीछे मैंने ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी वो विन हुई थी, यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए अपनी थी जहाँ से क्रॉस के आगे तो विन हुई थी वो। तो गाइस ढूंढते हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास स्ट्रगल कर रहा हो। तो गाइस देखो मार्केट मिल गया। देखो गाइस अब यहाँ पे आपको ग्राफ को देखना है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, थोड़ा अगर ना हो तो जूम इन कर लेना, जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है वहाँ पे आप जरा मार्केट को ध्यान से देखो, उस पॉइंट से मार्केट ने 4 से 5 बारी रिजेक्शन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला उसने वहाँ लिया जहाँ पे आपकी कंटिन्यू 3 रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनी है, वहाँ पे भी इसने टच करके रिजेक्शन लिया है। देन इसके बाद आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस 4 कैंडल्स है, उसने टच किया उस पॉइंट को, 5वीं भी रेड बनी, बट देन मार्केट पूरा रिवर्स लेके ऊपर चला गया। बस इस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट, जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में रिजेक्शन लेके 2-3 बार अप चला जाता है, रिवर्स ले लेता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट। सेम रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो गाइस चलो मैं एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा आपको कैसे ट्रेड लेनी है। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, हमें मार्केट मिल चुका है और मार्केट है अपना अल्टकॉइन इंडेक्स का। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली एक हॉरिजॉन्टल ले लेना है, देन आपको मैं पॉइंट दिखाता हूँ। जैसे कि देखो जहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया है वहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2 बारी रिजेक्शन ले चुका है, और तीसरी बार भी सेम देख सकते हैं गाइस, वहीं पे आ चुका है मार्केट, वहीं पे अभी स्ट्रगल कर रहा है। अब देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हम सिंपली 4 या 5 मिनट के लिए अप ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार सेम कर चुका है, देन हम यहाँ के लिए हम 3 से 4 मिनट के लिए अप लेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर हमने ले लिया है, 5 मिनट के लिए अप लिया है गाइस हमने यहाँ पर, क्योंकि लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा, बट आप 4 मिनट के लिए भी ले सकते हैं, उसे कोई इशू नहीं है, आपकी भी नहीं होगी क्योंकि उस पॉइंट से सीधा मार्केट रिवर्स लेगा। तो गाइस देखो भी यहाँ पे अभी तो फिलहाल अपनी ट्रेड फुल विन में चल रही है, तो वेट करना है अब रिजल्ट का गाइस। देखो गाइस ये तो बात रही नॉर्मल स्ट्रेटजी की, अब मैं आपको बताता हूँ आप इसी में शॉर्ट ट्रेड कैसे ले सकते हो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब हद से ज़्यादा टाइम वो विन करेगी, उस एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड क्या ले सकते हैं। बस उसमें आपको छोटा सा एडवांसमेंट करना है, उसमें आपको क्या करना है, जब भी आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पे डोजी बन जाए, ठीक है, जैसे ही अगर आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पे डोजी बन जाए, देन ये क्लियर इंडिकेशन है गाइस कि वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, वो रिवर्स लेगा ही लेगा।
तो अब वहाँ पे आप अच्छा अमाउंट प्लेस कर सकते हैं। खैर यहाँ पे तो नहीं हुआ इसलिए हमने कम अमाउंट भी प्लेस किया है। अगर यहाँ पे डोजी बनी होती तो मैं बिगर अमाउंट के लिए जाता, क्योंकि वो हद से ज़्यादा क्लियर कन्फर्मेशन होता है। तो जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे डोजी दिखे ना, तो आप हाई अमाउंट से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा श्योर कन्फर्मेशन है। तो गाइस जितने बंदे हमारे टेलीग्राम पे नहीं है वो हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स देते रहते हैं। हमने लास्टली बग भी दिया था जो कि बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और उसके मेरे पास हद से ज़्यादा रिव्यू भी आए हुए हैं। शायद आज फ्री रहूँगा तो आज मैं उसके रिव्यू डाल दूंगा चैनल में, तो आप ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक वर्क नहीं करता देन आपको सिंपली सर्च कर लेना @TradingMark0, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो और रही बात लास्ट वाली वीडियो की है जिस पर आप लोगों ने हद से ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, मैंने 150 लाइक के लिए कहा था, तो वेट करो गाइस इंडिकेटर वीडियो आने वाली है, शायद आपको नेक्स्ट वीडियो इंडिकेटर के ही ऊपर हो तो मैं आपको दूँ। तो इस वीडियो को भी गाइस लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस आप बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक कर देना इस वीडियो पे भी। इस वीडियो का भी लाइक एम रखता है 150। देन नेक्स्ट मैं एक और बढ़िया सी स्ट्रैटेजी पर लाने वाला हूँ वीडियो, और आप जिस स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट डाउन कर दिया करो गाइस। जिस भी स्ट्रैटेजी पे आप वीडियो चाहते हो नेक्स्ट कि मैं उसको बनाऊं और उसे क्लियर करूं आपके डाउट्स, तो आप सिंपली कमेंट कर दिया करो गाइस। मैं सारे कमेंट देखता हूं, सबका लाइक भी करता हूं, सबको रिप्लाई भी करता हूं। आपकी जो सी स्ट्रैटेजी के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो गाइस, आपको जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके अपने तरफ से पूरे 100/100 एफर्ट डालूंगा। तो अभी तो अपने ट्रेड देख रहे हैं गाइस, विन चल रही है, वहाँ से मार्केट ने क्लियर रिजेक्शन ले रखा है, तो अभी जा रही है मार्केट, तो सिंपली वेट करते हैं 3-4 मिनट और ट्रेड ओवर होने का। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड विन में ही चल रही है। और गाइस कभी भी याद रखना गाइस, आप लोग ना कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते वक्त अपना फुल अमाउंट मत लगाया करो। कई लोग क्या करते हैं, उनका 10% कैपिटल लॉस हुआ, वो इमोशंस में आके 90% कैपिटल की ट्रेड ले लेते हैं, सोचते हैं विन हो जाएगी तो उनका कैपिटल डबल हो जाएगा, लॉस भी कवर हो जाएगा। तो इसके चक्कर में गाइस इमोशन में आके बहुत ही ज़्यादा लॉस करते हैं। तो गाइस कभी भी ना आपको 5 से 10% अमाउंट की ट्रेड लिया करो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे साथ है सर लॉस कर गया, सबकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखता हूँ तो ये मिस्टेक कॉमन मिलती है। तो इसलिए मैं चीज़ कहूँगा गाइस, आप हमेशा हर ट्रेड पर 5 से 10% कैपिटल लगाओ, चाहे आपकी बैक टू बैक कितनी ही लॉस जा रही है। मार्टिंजल को कभी फॉलो मत किया करो गाइस, मार्टिंजल इज़ द वर्स्ट थिंग, याद रखना गाइस, मार्टिंजल ऑलवेज ब्लोस द अकाउंट। ये बेटर है बट ट्रुथ है कि मार्टिंजल आपके अकाउंट को पक्का डुबाएगा, चाहे एक दिन वो प्रॉफिट दे दे दूसरे दिन वो आपका पूरा बैलेंस लेके जाएगा। तो मार्टिंजल को आप मेरे तरफ से बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना कि ऐसा लिया $7 की लॉस हो गई, अगली 27-28 लगा दी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना आप लाएँ करें। ये जो भी होते हैं ये बिगनर्स होते हैं जो ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो मार्टिंजल को प्रॉपर अवॉइड करें। तो फिलहाल तो अपनी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा डीप में चल रही है गाइस, यहाँ से मार्केट ने क्लियर मतलब रिवर्सल ले लिया, पूरा मार्केट अब ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो इसी तरीके से गाइस आपको ट्रेड लेनी है, सेम विद आपको क्या करना है, जब आपका रेजिस्टेंस पॉइंट आए वहाँ पे जैसे ही आप वहाँ से 2-3 बार अगर रिजेक्शन लिया हुआ है मार्केट ने, देन आपको वहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए डाउन ले लेनी है। और मैंने बताया अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पे डोजी मिलती है देन ये क्लियर कन्फर्मेशन है कि आपकी ट्रेड डीप विन होने वाली है, तो आप उस पर अच्छा खासा अमाउंट लगा सकते हैं। लाइक अगर नॉर्मल ट्रेड पे 5% यूज़ करते हो तो वहाँ पे 10 से 15% यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो और भी ज़्यादा श्योर ट्रेड रहती हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट का रिवर्सल होना ऑलमोस्ट फिक्स होता है। बट समटाइम ब्रोकर क्या करते हैं, कर देते हैं ज़बरदस्ती मैनिपुलेशन, ताकि मतलब जिस टाइम पे सेम टाइम पे हद से ज़्यादा मतलब लोड हो जाता है एक साइड, तो कर देते हैं कभी, बट ये बहुत रेयर होता है सीन। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारी ट्रेड हो गई है विन। तो यही थी गाइस एकदम मस्त स्ट्रैटेजी आज की, और ऐसी स्ट्रैटेजी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।